कि जिन लोगों ने षड्यंत्र रचकर बिहार में MIM की पार्टी को तोड़ा, उनसे न पूछिए कि राजद के लोगों ने क्यों पार्टी तोड़ा। कुडनी में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि कल ही जदयू की तरफ से जो है उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं और मनोज कुशवाहा वहां से उम्मीदवार है। महागठबंधन के उम्मीदवार के खड़े होते ही बीजेपी के तमाम नेताओं के तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से महागठबंधन के तरफ से बयान आ रहा है कि ये MIM के जो बी टीम के तौर पर बीजेपी के लिए काम कर रही है, क्योंकि MIM जो है वो भी उम्मीदवार कुडनी में खड़ा करने जा रही है, ऐसे में इसको लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने इस पलटवार किया है और कहा है कि जो MIM की जो पार्टी है उसकी बी टीम की बात कह रहे हैं महागठबंधन के लोग, तो उनके जो विधायक थे उनको किसने तोड़ा? उनके RJD के लोगों ने ही उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ा है, तो बी टीम कौन है ये नीतीश कुमार ही बताएंगे। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, जरा वो बयान पहले आप सुने। जो लोग ये कह रहे हैं कि MIM जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, तो ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाला बयान है कि जिन लोगों ने षड्यंत्र रचकर बिहार में MIM की पार्टी को तोड़ा, उनसे न पूछिए कि राजद के लोगों ने क्यों पार्टी तोड़ा और नीतीश कुमार जी का उसमें क्या योगदान था। तो ये बी टीम और सी टीम तो अब जनता तय करेगी कि कुडंडी में बी टीम कौन है, और बी टीम जो सहयोगी होता है वही बी टीम बनकर खड़ी होती है। तो अब नीतीश कुमार जी और राजद को तय करना है कि बी टीम उन दोनों में कौन है। तो आपने सुना कि किस तरीके से विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमला किया है और कहा है कि कुडनी में जिस तरीके से उपचुनाव हो रहे हैं उसमें जनता जवाब दे देगी और आने वाले उपचुनाव और विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में जनता ज़रूर जवाब देगी महागठबंधन को। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें दैनिक न्यूज़ के साथ और देखते रहें दैनिक न्यूज़।